फॉर एम टेक फॉर रिसर्च। क्या ये ऑन ऑफ है ना? स्टार्ट तो नहीं किया ना ये? इस तरीके का मोटर वो आएगा, स्क्रीन आएगा, इससे मोटर स्टार्ट या स्टॉप होगा जी। ठीक है, ये है आपका वो जो सोलेनोइड वो लगा हुआ है उस साइड। कहाँ पे वो लगा हुआ है? इधर, ये सामने। ये सामने वाला? हाँ, ये सोलेनोइड वोल्ट है। इसकी सेटिंग साइक्लिक मोड में चलाना है कि इंटरवल मोड में चलाना है जी? समझना, साइक्लिक मोड मतलब कंटिन्यू चलता रहेगा। जो टाइम आपने यहाँ डाला हुआ ऑन टाइम उतने टाइम के लिए चलेगा, ऑफ टाइम के लिए बंद रहेगा। ठीक ठीक है। और इंटरवल मोड जो आपने वो डाल दिया, जो यहाँ पे टाइम डाल दिया, अगर 10 मिनट डाल दिया कंटिन्यू 10 मिनट के लिए चलता रहेगा, उसके बाद बंद। ठीक है, ये है लोड। ये टेयर दबाते ही वो लोड अपने आप हो जाएगा जीरो, जो भी इनिशियल लोड है वो हो जाएगा आपका जीरो। ये कौन सा लोड है? वो जो रखा हुआ है आउटलेट टैंक। अच्छा अच्छा, ठीक है। उसके बाद जैसे आप स्टार्ट कैलकुलेशन करेंगे तो वो इनिशियल क्या है और एट द एंड ऑफ दैट टाइम क्या है रीडिंग, उन दोनों का डिफरेंस बता के बता देगा कि फ्लो रेट के हिसाब से वेट कितना चेंज हुआ जी। ठीक है, तो ये आपका लोड का है, ये आपका सोलेनोइड वाल्व का है, ये आपका मोटर का पंप है। ये डिस्चार्ज बताएगा लीटर पर सेकंड में, वो जो उसके ऊपर अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा हुआ है कि आउटलेट टैंक से कितना डिस्चार्ज गिर रहा है। ठीक है, ये दोनों आपको बताएंगे फ्लो। ठीक है, एक इसका है और एक इसका है, इधर से देख लो या इधर से देख लो। ठीक है, ये तो हो गया स्क्रीन का फंक्शन जी। उसके बाद आपके दो मोड हैं इसमें। एक है कि अगर आपको पानी थ्रू रेनफॉल चलाना है, और एक अगर आपको पानी थ्रू टैंक चलाना है। ठीक है, वो आप किससे करोगे? विद द हेल्प ऑफ दीज वॉल्व्स। टैंक को अगर आपने इंक्लाइन कर लिया पॉजिटिव और नेगेटिव से, वो इंक्लिनेशन कैसे पता लगेगा? आपको यहाँ से हाइट पता लगेगी जी। आपने 10 सेंटीमीटर उठाया है कि 20 सेंटीमीटर उठाया है, फिर आपको वही फॉर्मुलेट करना है। लेंथ आपको पता है, ये आपको पता है, हाइपोटेन्यूज आपको मालूम पड़ जाएगा, तो एंगल निकल जाएगा। ठीक है ना, कितने एंगल पे इंक्लिनेशन। अच्छा, इसका ये स्क्रीन में नहीं है क्या कि कितना अप डाउन, क्या एंगल कितना आ रहा है? तो ये यहाँ पे नहीं है, इसका यहाँ पे नहीं शो करेगा। इंक्लिनेशन सेंसर नहीं लगा हुआ इसमें, उसके लिए लगे नहीं इंक्लिनेशन सेंसर। अच्छा, ठीक है। अब आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर समझना, ये जो नीचे पाइप्स लगे हुए ना, इनका स्ट्रक्चर समझना है। अगर एक बार आपको ये स्ट्रक्चर समझ आ गया तो आप ईजिली समझ सकते हो कि आपको पानी कहाँ पे पहुँचाना है। इस टैंक में पहुँचाना है, इधर से पहुँचाना है कि इधर से पहुँचाना है, ऊपर से डालना है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, ये पंप है, ये पंप यहाँ से पानी खींच रहा है इस टैंक से, और यहाँ के थ्रू ये दो लाइन में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इस वॉल को फुली ओपन रखूँगा तो पानी क्या है, और इन दोनों वॉल्स को क्लोज रखूँगा तो पानी क्या है कि यहाँ से आएगा दोबारा इसमें चला जाएगा बाईपास। ये क्यों करते हैं? इन केस अगर हमने फ्लो रेट बहुत कम रखना है तो पंप पे लोड ना पड़े तो मैं बाईपास से कंट्रोल कर लूँ। ठीक है, फ्लो रेट बहुत कम चाहिए आपको, आपने यहाँ से बिल्कुल हल्का सा फ्लो रेट खोला हुआ है, तो अगर आप इसको कम्प्लीटली बंद करेंगे तो पंप गर्म होने का डर रहेगा। तो आप यहाँ से बाईपास वाल्व खोलेंगे, थोड़ा पानी इधर जाएगा, मैक्सिमम पानी आपका वापस टैंक के अंदर चला जाएगा, तो ये आपकी होगी बाईपास लाइन। उसके बाद बाईपास लाइन के बाद दो लाइन जा रही है, एक ये जा रही है, एक ये लाइन जा रही है। अब दोनों लाइन जा रही है आपकी उस पाइप के अंदर, सामने वाले पाइप में जा रही है। अब पीछे आ जाइए, यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर मैं इस वॉल को कर देता हूँ बंद, अगर मैं इस वॉल को बंद कर देता हूँ और सिर्फ उस वाले पाइप को खोल के रखता हूँ जी, उधर से उसको बंद कर सकता हूँ, तो पानी इस पाइप से जाएगा इधर, और इधर से जाके आएगा ये सोलेनोइड वॉल्व।
अभी सॉलिड वॉल को मैं कहाँ से ऑपरेट कर रहा हूँ, स्क्रीन से। जी जी, स्क्रीन से मैं सॉलिड वॉल को ओपन करूँगा तो यहाँ से पानी जाएगा और यहाँ से पानी सीधा जाएगा रेन। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको रेन वाला एक्सपेरिमेंट करना है तो आपको क्या करना है, रेन वाला एक्सपेरिमेंट करना है तो आपको ये वाला वॉल खोलना है ताकि सारा पानी इस वाली लाइन से जाए और फिर यहाँ से उस वॉल को सेटिंग दे देनी है कि वो वॉल कितनी देर के लिए आप ओपन करना चाहते हो, वहाँ से पानी जाएगा सीधा। तो ये है आपका रेनफॉल वाला सेटिंग, ये वाला। ओके ओके। दूसरा है टैंक से, अगर आपको टैंक से चलाना है तो यहाँ से मैं सॉलिड वॉल को बंद कर सकता हूँ जीरो टाइम दे के। यहाँ से मैंने टाइम जीरो दे दिया, सॉलिड वॉल बंद रहेगा, ठीक है, उसको कोई वो कमांड नहीं मिलेगी। जब उसको कमांड नहीं मिलेगी तो यहाँ से कोई पानी नहीं जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इस वॉल को ओपन कर देता हूँ तो उसका पानी भी और इसका पानी भी, दोनों पानी यहाँ से जाके इस लाइन के अंदर जाएंगे। अब इस लाइन से भी देखिए दो डायरेक्शन में, या तो पानी इधर जाएगा या इधर जाएगा। आपको उधर से इनलेट करना है तो इस वाले वॉल को बंद कर देंगे, तो पानी इधर गया, इस वाले वॉल को मैंने खोल दिया तो पानी इस वाले वॉल को मैंने बंद कर दिया तो पानी इधर से गया, इस वाले वॉल को खोल दिया। सिंपल है, वहाँ से पानी आया, वॉल्स की पोजीशन है, यहाँ से पानी आया इस पाइप के थ्रू इसमें घुसा और यहाँ से पानी इसके अंदर चला। अगर इसको खोल दूंगा तो फिर पानी क्या जाएगा, यहाँ भी जाएगा और फिर ग्राउंड वाटर की तरह नीचे से आएगा। ये कब करना है, अगर आप चाहते हो कि पानी ग्राउंड वाटर से आए, ग्राउंड वाटर स्टडीज कर रहे हो तो इसको बंद कर देंगे। जब इसको बंद कर देंगे तो पानी यहाँ से आएगा, यहाँ से तो जा नहीं पाएगा, तो पानी यहाँ से जाएगा और फिर नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। ओके, ये कब करना है, अगर आप चाहते हो कि ऐसे एक्सपेंस जिसमें आप ग्राउंड में से सीपेज करा रहे हो नीचे से, उस केस में। अदरवाइज अगर आपको यहाँ से टैंक से भेजना है तो इसको बंद कर दिया तो पानी यहाँ से होकर इसमें से जाएगा और जाते 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 यहाँ से इस टैंक में गए। ये मिलेगा, ठीक है सर। दो पॉसिबिलिटीज होगी, एक सर्किट है ऊपर का और एक सर्किट है नीचे का। अब क्वेश्चन आपको ये सारे वॉल्स का क्या है, नीचे आप देख लो ये हमारे वेल्स हैं, जो ऊपर दो वेल्स हैं वो हैं। अगर आप चाहते हो कि वेल्स के थ्रू कितना पानी गया है वो देखना चाहते हो तो आपने क्या करना है कि वहाँ से गेट से बंद कर देना एंट्री जी। वो जो गेट लगा उसे बंद कर दिया। अब पानी का एक ही जरिया है तो नीचे से जा सकते हैं, तो ये वाले वॉल खोल देंगे, एक ये वॉल एक ये वॉल। अब पानी इधर आएगा, अब मुझे पानी सारा उसमें गिराना है तो ये वाला वॉल मैं बंद कर देंगे हम। तो पानी ये आएगा और इसके थ्रू दोबारा इसमें गिरेगा, इसके ठीक है। यहाँ से कहाँ गिरेगा पानी, इधर से हाँ ये वाला। ओके, इसको भी बंद कर दूंगा। आपको पानी नीचे से डाल रहे हैं या नीचे से ऊपर से, इनका काम कब है, इनका काम कब है, इनका काम कब है, जब आप चाहते हो कि पानी नीचे से आए ग्राउंड को और वेल के थ्रू ही वापस जाए, राइट, ठीक है ना। तो इस केस में क्या है, इसको खोल दूंगा तो पानी आएगा यहाँ से नीचे जाएगा, वहाँ से ऊपर जाएगा और इस वॉल के थ्रू वापस से आएगा। और लास्ट टाइम आप ये भी बताए थे ना इसके बारे में, हाँ ये इनका क्या काम है, इनका काम है आपका पीजोमेट्रिक लेवल देखना, हेड कितना है कहाँ पे, जी जी जी, ठीक है। जैसे वो उस वाले एक्सपेरिमेंट में भी हम करते हैं कौन देखने के लिए, या फिर इन्फिल्ट्रेशन देखने के लिए, कि जब आपने फर्स्ट टाइम रेन करी तो आपने सारे आउटलेट बंद कर दिए। सपोज करो आप इन्फिल्ट्रेशन का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप देखना चाहते हो कि उसकी इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कितनी किसी भी पर्टिकुलर सैंड में, तो आपने 5 मिनट्स के लिए रेन करी या रेन करी, आपने रेन करने के बाद देखोगे इनमें लेवल आना शुरू हो जाएगा। आपने सपोज करो 200 तक सैंड भरा हुआ है और आपने एक पर्टिकुलर फ्लो रेट पे सपोज करो 20 LPH या 10 LPH में रेन करा, तो आपके पास एरिया आपको मालूम है,
रेन का फ्लो रेट आपको मालूम है और डिस्टेंस आपको यहाँ से पता लग जाएगा। स्टॉप वॉच ऑन करेंगे देखेंगे कितने देर में वो 200 ml तक इन्फिल्ट्रेट हो, वाटर लेवल इन्फिल्ट्रेट लेवल 200 ml, पडलिंग की साउंड आएगी आपको, वो पानी ऊपर आ जाएगा लेवल पर, तो वो कितने टाइम में है उससे इन्फिल्ट्रेशन रेट पता लगेगा। और इन्फिल्ट्रेशन रेट क्या है विद रिस्पेक्ट टू मॉइस्चर लेवल चेंज है, स्टार्टिंग में फैन बिल्कुल सूखा हुआ है तो इन्फिल्ट्रेशन लेवल कुछ और है, उसे इतना भरने में टाइम आया। फिर जब आप देखोगे कि एक बार पानी सारा ड्रेन ऑफ कर दिया, दोबारा से बारिश करी, तो अब उसका इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कम हो गया, तो ये टाइम कम हो जाएगा। ये ऐसी बात है, तो इस तरीके से 2-3 एक्सपेरिमेंट्स आपने करें, कुछ एक्सपेरिमेंट में डिज़ाइन किए हैं, ठीक है, चला के देख लेते हैं एक बार, कोई एक कंडीशन चला के देख सकते हैं। सबसे पहले रेन